परवेज समूह के खिलाफ ऐसे साहबी जिनको लिखना भी नहीं आता वो प्रोपगंडा कर रहे हैं, कुछ उसके सियासी मुखालफिन वो भी प्रोपगंडा कर रहे हैं। परवेज समूह से हसद करने वाले हसद बेशक करें, लेकिन परवेज समूह अवामी मसाइल में आफ्ताब जूने जो हुआ ये अवामी मसाइल में सैयद ज़िया बादशाह के साथ हैं, लेकिन अवामी मसाइल में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जो लोग तनकीद बराए तनकीद करते हैं और तनकीद बराए इसलाह भी करें और अवाम के जो मसाइल हैं उनके लिए जाएँ, परवेज समूह कोई ख़राब नहीं है। इस साबिक साफ़ी भी कि हमारे टाइम में साफ़त करता रहा है, समझदार आदमी है, शहर के लिए खिदमत है और इंशाल्लाह ये रोड शो वगैरह आप देख रहे हैं कि उसकी तामीर में भी हिस्सा लेता है, कुछ गरीबों की उसमें भी लेता है। मेरी परवेज समूह से मुलाकात को भी आज तकरीबन कोई 10 साल हुए होंगे, लेकिन परवेज समूह बहरहाल शहरी मसाइल के लिए साथ साथ है। अस्सलाम वालेकुम ओल्ड साफ़ी राज असलम खानजादा। तनकीद बराए इसलाह करें, मुखालफत बराए मुखालफत अच्छी चीज़ नहीं है। मैं आपसे अपील करूँगा कि किसी को इतना बुरा जाहिर ना करो कि वो उसके अच्छे कामों को नेगेटिव में किया जाए। मेरी आपसे अपील है अच्छे कामों को अच्छा बताया जाए, गलत काम पर तनकीद आपका हक है, लेकिन तनकीद बराए इसलाह। और जो समूह के खिलाफ प्रोपगंडा जो चल रहा है उसमें फ़िरका वारियत का बहुत गहरा असर है जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरे इलम में आया है। लिहाजा लोग इस बात से परहेज करें और मैं अपील करता हूँ कि लोग तनकीद बराए इसलाह करेंगे। और ये फेसबुक और मोबाइल के ज़रिए अगर आपको किसी को बदनाम करना है तो कोई किसी वक्त भी कर सकता है, लेकिन ये सही नहीं है। हकाइक की रोशनी में देखा करो। मेरी अपील है कि आप हकाइक देखो क्या है। ये नहीं है मैं डायरेक्ट है ना तालुका कौंसल ज़िला कौंसल का इजलास चल रहा है मैं जाकर उधर तकरीर शुरू कर दूँ साफ़ी की हैसियत से। मेरा काम नहीं है साफ़ी की हैसियत से कि मैं उधर तकरीर करूँ, क्योंकि मेरा राइट ही नहीं है। लिहाजा अगर कोई गंदगी के अंबार है, कोई नाली का है, तो वो आप एप्लीकेशन वगैरह मूव करें और उसके बाद जाकर जो है ना ये मसाइल हल होंगे। तकरीर करना आम पब्लिक का काम नहीं है, ये सिर्फ कौंसलर जो है वो कर सकते हैं, जो मुंतखब कौंसलर हैं। लिहाजा इस तरीके से तनकीद करना अच्छी चीज़ नहीं है। और साफ़ी राजा असलम खानजादा, अब आपकी मर्ज़ी, आप जो कुछ भी करो वह आप खुद ज़िम्मेदार होते हैं।